डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपकी क्लास थर्ड का नया लेक्चर लेके आए हैं, जो लेसन नंबर टू का है, एयर एंड वाटर। एयर होता है हवा, वाटर होता है पानी। आज हम हवा और पानी के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट टू हैव एयर एंड वाटर। अर्थ, हमारी ज़मीन जो है, वाहिद एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे पानी और हवा पाई जाती है। दूसरे प्लैनेट्स पे हवा और पानी पाए नहीं जाते हैं, इसीलिए लाइफ जो है अर्थ पे ही होती है, दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं है। बोथ आर नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बोथ मतलब हवा भी और पानी भी बहुत ज़रूरी हैं, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी और पौधों के लिए भी। हवा और पानी के बगैर ना तो इंसान ज़िंदा रह सकते हैं, ना तो पौधे, ना तो जानवर ज़िंदा रह सकते हैं। अब हम हवा के बारे में पढ़ेंगे। हवा इज़ एयर इज़ ऑल अराउंड अस बट वी कैन नॉट सी इट। हवा जो है हमारे आसपास हर जगह पाई जाती है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते हैं। वी कैन ओनली फील एयर। हम सिर्फ हवा को महसूस कर सकते हैं। कैसे? तभी महसूस कर सकते हैं जब वो चल रही होती है। हवा जब एक जगह प्रेजेंट है तो हमें हवा महसूस नहीं होती, लेकिन जब ये मूवमेंट करती है, जब ये चलती है हवा, तो हमें महसूस होती है, फील होती है, लेकिन दिखाई नहीं देती है। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा जो है वो चल रही होती है, मोशन में होती है, तो उसे विंड कहते हैं। जब हवा जो है धीमी धीमी चलती है, आहिस्ता जेंटली चलती है, तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। तो जब बहुत तेज चलती है तो फिर स्टॉर्म कहलाती है, तूफान आ जाते हैं। अब है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कि हवा में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। हवा में बहुत सारी गैसेज मौजूद होती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज़्यादा हवा में क्या होती है? नाइट्रोजन। उससे कम ऑक्सीजन होती है, और बाकी गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस होती हैं, वो बहुत कम पाई जाती हैं हवा में। एयर आल्सो कंटेन डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म। इसके अलावा, किसके अलावा? गैसेस के अलावा हवा में डस्ट भी होती है, डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं और जर्म भी होते हैं, जो हवा एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। इसके अलावा एयर आल्सो कंटेन वाटर वेपर्स। हवा में पानी भी मौजूद होता है, किस शक्ल में? वाटर वेपर्स की शक्ल में। आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा है, कि जो वेपर्स हैं वो गैशियस फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारी स्टीम है, वो गैशियस फॉर्म है वाटर की, तो इसलिए वाटर वेपर्स भी पाए जाते हैं हवा में। हमें हवा का कौन सा वाला हिस्सा हमारे लिए ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन। वी नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और पौधे जो होते हैं, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़रूरी होती है पौधे के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। अब ये तो था हवा और हवा में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अब हम वाटर के बारे में, पानी के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और पानी में क्या क्या होता है।